तो तुम मुझे यहाँ पे ब्लैकमेल करने आई हो? हाँ, तुम चाहती हो जो मासूम दीदी ने वीडियो में बोला है मैं भी तुम्हारे आगे कन्फेस कर दूँ। सो लेट मी टेल यू बेबी गर्ल। अरे अरे मिस मिशी बेन, अथोबो जरा ब्रेक लगाओ। अरे मुझे आपको ब्लैकमेल करना होता तो मैं यहाँ क्यों आती? क्या चाहती हो तुम? अब मैं चाहती हूँ कि आप वीडियो ना अपने हाथों से डिलीट कर। मैं वीडियो डिलीट करूं? हाँ मिस मिशी बेन, आप डिलीट कर दो और किसी को कानों कान खबर नहीं लगेगी कि किसने क्या कहा, किसने क्या सुना, क्या देखा, किसी को पता नहीं चलेगा। आप डिलीट कर दो। अरे सोचो मत मिस मिशी बेन, अब करो डिलीट। अरे मिस मिशी बेन, मैं आपके बारे में जानू छू। हाँ मुझे पता है आप इतनी बड़ी स्टार और इतनी अच्छी, आपने थोड़ी ना अपनी बहन के साथ ये सब किया होगा जो मासूम बहन कह रही है। आपको बुरा लगेगा पर कड़वी करेली नीम चढ़ेली ना जलती है आपसे। हाँ सच्ची? अरे आप ही सोचो, कोई दोस्त ऐसा होता है क्या? आपके मुंह पे आपकी और पीछे से ना किसी के माँ की ना किसी के बाप की। अब आप ये सब छोड़ो, आप इसे डिलीट करो। अगर ये लड़की मेरी बहन नहीं थुड़ता होती देन 100 में से 10% तो इस वीडियो का फायदा जरूर उठाती, पर ये वीडियो डिलीट करवाने आई है। ओह गॉड, इसका मतलब साफ है ये लड़की सच में वडोदरा की कोई गरबा डांसर मंजरी है जो कि मेरी डाई हार्ट फैन है। अब कहाँ जा रही हो तुम? हाँ मुझे बू आ रही थी इसलिए मैं जा रही हूँ। कैसे बू? सबकी बू। मिस मिशी बेन, मैं ना आपकी पटाखा बहन छू और आप मेरे इंटेंशंस पर सब करके ना मुझे हर्ट कर रहे हो, इसलिए मैं जा रही हूँ। नमस्ते। मंजरी देखो, मैं ना तुम पे बिल्कुल भी डाउट नहीं कर रही हूँ। वो एक्चुअली ना मैं ट्रॉमेटाइज हो गई हूँ कि मासूम मुझ पे इतना घटिया एलिगेशन कैसे लगा सकती है। और उस वीडियो में ना तुम हूबहू मेरी बहन मीत जैसी लग रही थी। देखो मैं तुम पे बिल्कुल भी डाउट नहीं कर रही हूँ, इट्स जस्ट दैट इट्स हार्ड टू बिलीव कि तुम मंजरी हो। अरे मिस मिशी बेन, मैं मंजरी छू, मंजरी फ्रॉम वडोदरा। अरे मैं तो गरबा डांडिया रहूं छू थोड़ा थोड़ा। ओके मंजरी, एक बात बताओ, तुमने मीत अहलावत से क्यों बोला कि तुम मीत हुड्डा हो? आपको कैसे पता? जरूर आपको सुतली बोम ने बताया होगा, एक नंबर का चुगल खो रहे हैं वो। अरे क्या बताऊं मिस मिशी बेन, वो सुतली बोम ना दिन भर मेरे पीछे पड़ा रहता है और कहता है कि मैं उसकी वो धोखेबाज बीवी छू। अरे कभी मेरे पीछे गुंडे छोड़ देता है और कभी पप्पा जी को चाय देने से रोकता है, कभी घर वालों के सामने टोकता है, कभी चीखता है, कभी चिल्लाता है। और मैं तो उसकी मदद करने आई थी और बुरी तरीके से फंस गई हूँ। अरे दिन भर एक ही बात सुन सुन के मैं थक गई थी, इसलिए मैं ना बोम की तरह फट गई और मैंने कह दिया कि हाँ मैं मीत हुड्डा हूँ। तो बोल अब क्या? ओह, इसीलिए तुमने एक्सेप्ट किया कि तुम मीत हो? अरे मेरी नम्मती मारी गई थी जो मैं उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गई और उसके घर नाटक करने चली गई। जल्दी से नाटक खत्म हो तो मैं अपने गरबा डांडिया और सिंगिंग पर कॉन्सेंट्रेट करूँ। मुझे भी ना बहुत बड़ी हीरोइन बनना है बिल्कुल आपके जैसे।